इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना जो बॉट बनाएंगे उसको ग्रुप में से मैसेज रीड करने की और चैनल में से मैसेज रीड करने की सारी परमिशंस कैसे दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर आकर के ये प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो पड़े हैं इनको देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम एप्लीकेशन को आप ओपन कर लेंगे और अगर आपने अपना अगर ग्रुप नहीं बनाया है तो आप यहाँ पर आकर के सबसे पहले यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये एक नॉट नाउ और न्यू ग्रुप, यहाँ से आप ग्रुप बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपना खुद का बॉट बना लेना है। यहाँ पर आप बॉट फादर पाएंगे, बॉट फादर और ये ब्लू टिक वाला आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना न्यू बॉट बना लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोड बॉट, नोड जेएस का बॉट है क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम इसको नोड बॉट ही लिख देते हैं, नोड 231 बॉट। लास्ट में बॉट लिखा होना ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पर बॉट का लिंक मिल गया, यानी आप जहाँ से बॉट को ऑपरेट करेंगे यहाँ से आप इस अपने बॉट को ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये टोकन मिल जाता है, इस टोकन का इस्तेमाल करके आप इस बॉट को हैंडल कर सकते हैं। ये बॉट जो हमने बनाया है इसको अभी कुछ लिमिटेड परमिशंस हैं। सबसे पहले हम अपने इस बॉट को अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा बॉट है, इस बॉट का यूज़र नेम हम कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको बैक करेंगे। और बैक करने के बाद में यहाँ पर हम अपना नया ग्रुप बनाएंगे, न्यू ग्रुप पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च पर ये बॉट का लिंक पेस्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर ग्रुप नाम पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर नोड बस ऐसे ही रख देता हूँ और ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अभी सिर्फ मैं हूँ और बॉट है। अब यहाँ पर क्या करना है, अभी ये हमारा जो बॉट है ये कोई भी मैसेज नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है, कोई भी फंक्शंस नहीं है इस बॉट में। यानी अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट कमांड भी लिखूँगा तब भी ये कुछ नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना कि बॉट में ये सारी चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हमारे बॉट को कुछ लिमिटेड एक्सेस है, यानी देखो यहाँ पर लिखा है हैज़ नो एक्सेस टू मैसेजेस, यानी इसको यहाँ के मैसेजेस का एक्सेस नहीं है। अभी हमको क्या करना है, अपने बॉट को सारी परमिशंस देनी है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमको इसको एडमिन प्रमोट कर देना है। सबसे पहले तो मैंने इसको एडमिन बना दिया है जो कि कंपलसरी है। अगर आपको अपने ग्रुप को मैनेज करने के लिए इस बॉट को बनाना है तो आपको इसको एडमिन बनाना ही पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस बॉट को सारी परमिशंस देनी है। परमिशन कहाँ देंगे, यहाँ बॉट फादर में आकर के जहाँ से हमने इस बॉट को क्रिएट किया है वहीं पर आकर के इसकी सारी परमिशंस देंगे हमको। यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में माई बॉट्स पर क्लिक करना है और मेरे बॉट सिर्फ ये है नोड 231 बॉट, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एडिट बॉट, बॉट सेटिंग, पेमेंट और ट्रांसफ़र ऑनरशिप और डिलीट बॉट, यहाँ पर आप आकर के एडिट बॉट पर आप अपने बॉट का नाम चेंज कर सकते हैं, एडिट अबाउट डिस्क्रिप्शन और एडिट पिक्चर मतलब फ़ोटो लगा सकते हैं, एडिट बॉट पिक और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर कमांड्स अपनी बना सकते हैं अपने बॉट की, लेकिन वो कमांड्स रन नहीं करेंगी। कमांड्स का मतलब सिर्फ ऐसा होगा, ऐसा मेन्यू बन जाएगा बस। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बॉट सेटिंग पर आना है और बॉट सेटिंग में आने के बाद में आप यहाँ पर अपने बॉट को इनलाइन मोड में रख सकते हैं जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है अलाउ ग्रुप, ग्रुप प्राइवेसी, एडमिन राइट और ये चैनल एडमिन राइट, ये सारे आपको यहाँ पर देखने हैं। सबसे पहले अलाउ ग्रुप्स पे जाते हैं। यहाँ पर लिखा है ग्रुप्स आर करेंटली इनेबल्ड फॉर बॉट नोड बॉट, यानी इस बॉट को कोई भी यूज़र अपने ग्रुप में ऐड कर सकता है, ये वाली परमिशन है। तो ये हम परमिशन ऑन रखेंगे कोई भी यूज़र हमारे बॉट को अपने ग्रुप में ऐड कर सके। और यहाँ पर ग्रुप प्राइवेसी में जा कर के आपको यहाँ पर मिलेगा प्राइवेसी मोड इज़ इनेबल्ड फॉर बॉट, आपको इसको टर्न ऑफ कर देना है, प्राइवेसी मोड इसको हटा देना है। उसके बाद में ग्रुप एडमिन राइट्स, यहाँ पर आपको जाकर के ये सारी परमिशन दे देनी है ग्रुप की सारी परमिशन, जैसे डिलीट मैसेज, रिस्ट्रिक्ट और बैन अनबैन, यहाँ पर आपको सारी परमिशंस दे देनी है।
यहाँ पर हमने अपने बॉट को ग्रुप के सारे मैसेजेस यानी इवेंट्स एक्सेस करने की परमिशन दे दी है। इसको हम बैक करेंगे और यहाँ पर अब चैनल एडमिन राइट्स, अगर हम अपने बॉट को अपने चैनल में ऐड करते हैं तो वहाँ पर हमको ये सारी परमिशंस होनी चाहिए जिससे हम वहाँ पर सारे अपने जो कार्य करना चाहते हैं वो कर सकें। अब चैनल में भी इसको सारी परमिशंस होंगी। बैक करते हैं, ग्रुप एडमिन राइट्स हो गए और चैनल एडमिन राइट्स हो गए। उसके बाद में यहाँ पर पेमेंट्स है, डोमेन है, मेन्यू बटन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अभी नहीं देखनी है। तो आपको बस इतना ही देखना था, ग्रुप एडमिन राइट्स, चैनल एडमिन राइट्स, ग्रुप प्राइवेसी, अलाउ ग्रुप्स और इनलाइन मोड को भी बाद में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।